दोस्तों, लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए लॉकडाउन को 25 दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि इस बार के लॉकडाउन में ऑड इवन फार्मूला के तहत सभी दुकानों के खोलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है, जिसका दुकानदार विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं आता है। जब तक ग्राहकों को आने का समय होता है, सरकारी आदेशों के अनुसार उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ जाती है। अगर वे दुकान बंद करने में थोड़ी सी भी देरी कर दें तो फिर उनका चालान कर दिया जाता है। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए दुकानों के खुलने का समय लेफ्ट राइट फार्मूले के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी कम रही है, जो हम सबके सामूहिक प्रयासों की ही जीत है। कोरोना का यह घटता आंकड़ा बहुत खुशी दे रहा है। कोरोना के खिलाफ शुरू की गई जंग में हम सबके सामूहिक प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। एलनाबाद उपमंडल क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के केवल 12 ही नए केस सामने आए हैं। आज आए इन 12 नए केसों को मिलाकर अब तक कुल 1458 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि आज इससे ज़्यादा 34 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके चलते अब तक कुल मिलाकर 1167 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या अभी 6 ही है। आज की तारीख में कोरोना के एक्टिव केस 22 और कम होकर अब केवल 232 रह चुके हैं। दोस्तों, उपमंडल नागरिक अस्पताल के सरकारी रिकॉर्ड में पिछले 24 घंटे में एक नई मौत दर्ज की गई है, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 54 हो चुका है। शहर के वार्ड नंबर 11 में रहने वाले एक पुरुष को गत 15 मई को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया था। उसके पश्चात उन्हें इलाज के लिए सिरसा के शाह सतराम जी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। उपमंडल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने आज कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। उपमंडल नागरिक अस्पताल में शुरू हुए 15 बेड के कोविड केयर सेंटर में पिछले 24 घंटे में 2 नए मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें गांव तलवाड़ा खुर्द का 60 वर्षीय पुरुष और गाँव सैनपाल कोठा का 60 वर्षीय पुरुष शामिल है। इसके अलावा यहाँ पोड़का से 37 वर्षीय पति व उसकी 33 वर्षीय पत्नी तथा वार्ड नंबर 2 का 68 वर्षीय पुरुष भी भर्ती है। वर्तमान में यहाँ केवल 5 ही मरीज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और इन सभी मरीजों की हालात ठीक बताई जा रही है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर इन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। दोस्तों, कोरोना की इस महामारी में बहुत से लोगों ने स्वयं की प्रेरणा से लोगों की बहुत सेवा एवं सहायता की है, जिसके चलते एलनाबाद क्षेत्र में कोरोना बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया है। ऐसे ही एक समाजसेवी बंधु है गोपाल जिंदल। शहर के वार्ड 10 में रहने वाले गोपाल जिंदल दिन भर एलनाबाद शहर में घूम घूम कर लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाते हैं। इस आयुर्वेदिक काढ़े को पीने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। गोपाल जिंदल ने आज चैनल डी को बताया कि वे हर रोज सुबह 3:30 बजे उठकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस आयुर्वेदिक काढ़े को अपने हाथों से तैयार करते हैं और फिर भगवान को भोग लगाकर इसे प्रसाद के रूप में सब लोगों को निशुल्क बांटते हैं। इससे उन्हें आत्मिक सुख मिलता है, जो कि अमूल्य है। समाज सेवा भाई लोगों की मैंने एक बेड़ा उठाया है। कोरोना काल के लिए एक देसी दवा बनाई है, उसके अंदर हम सुबह मियां बीबी सुबह 3:30 बजे उठ के भगवान का प्रसाद बनाते हैं। 5:30 तक तैयार होता है, उसके बाद में हम इसको छान पीन के सनातन धर्मशाला में जाते हैं। सेठ जी हनुमान प्रसाद जी अग्रवाल पहले इनका प्रसाद भगवान के भोग लगाएंगे, उसके बाद में योगा वालों को ये सप्रा जी हैं उनको देंगे, उसके बाद में आप ग्रहण करेंगे, उसके बाद में सब समाज को ग्रहण करवाएंगे, उसके बाद में हवन करेंगे। हवन करने के बावजूद गौशाला में आते हैं। गौशाला के अंदर कम से कम भी मान के चलो 500 ऊपर में चलो 700 जीव हम ये शरबत पिलाते हैं। उसके बाद में थोड़ा बाज़ार में आते हैं, देवीलाल चौक में भाई बंधुओं के जो जिन के फ़ोन आते हैं बीमार हैं उनके घर तक सेवा देता हूं मैं अपने हाथ से। उसके बाद में 8:30-9 बजे घर आ जाता हूं, नाश्ता करके फिर दोबारा तैयार हुआ प्रसाद भगवान के बाज़ार में देता हूं। फिर ये हमारे बड़े ऑफिसर लोग हैं, SDM साहब है, जज साहब है, तहसीलदार साहब है और पुलिस डिपार्टमेंट है, सभी को मैं बड़े प्रेम से ये प्रसाद वितरण करता हूँ और बड़ी प्रेम से हमारा प्रसाद। क्या क्या मिलाया है ये? क्या क्या मिलाया है इसके अंदर सर? मैन तो 50 किलो गिलो
शरबत के अंदर 1.25 किलो तो गिलोय डलती है, लौंग है, इलायची है, जावत्री है, जायफल है, पीपल है, मग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ट्यूमर है, और काली मिर्च है, सफ़ेद काली मिर्च है, इसके अलावा काला नमक है, इसके अलावा नींबू है 5 किलो, अदरक है, और इसके अलावा गुड़ है, और नीचे उतारने के बाद में इसमें केसर डालते हैं जीभ का स्वाद के लिए, अच्छी समय लाती है ये, 10 दिन तक ख़राब नहीं होता सर। कितने दिनों से यह सेवा चल रही है और कब तक चलेगी? ये भगवान जितने दिन चलाएंगे उतने दिन चलेगी, ठाकुर जी का प्रसाद है, 15 दिन से चल रही है, और जितने दिन ही चलवाएंगे उतने दिन हाथ जोड़ के चलाएंगे। इसका आप कोई पैसा ले रहे हैं? नहीं, किसी का 1 रुपया नहीं ले रहे प्रभु, अपने घर से लगा रहे हैं और अपने घर से तहे दिल से जान भी दे रहे हैं इस बात के लिए। दोस्तों, कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है, अब तक आने वाले आंकड़े लगातार राहत देने वाले आ रहे हैं, जिससे अब लगने लगा है कि अब स्थिति बहुत ही जल्द सुधर जाएगी और लॉकडाउन की त्रासदी से पीछा छूटेगा और हमारी तपस्या का लाभ भी बहुत ही जल्द और ज़रूर मिलेगा। लेकिन अति उत्साह में हमारी लापरवाही हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए चैनल डी आप लोगों से अपील करता है कि आप सब सरकारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करके कोरोना के खिलाफ छिड़ी इस जंग को जिताने में अपना सकारात्मक योगदान दें। हम आपको एलनाबाद क्षेत्र की हर छोटी बड़ी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।